अगर आप भी आईफोन लेने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि 14 खरीदूं, 15 खरीदूं या फिर 16 सीरीज का इंतजार करूं, तो थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि आईफोन 16 सीरीज के सारे फीचर्स सामने आ चुके हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पूरी देखना क्योंकि सारे फीचर्स एप्पल के बिल्कुल अंदर से निकाल कर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिलने वाला है इसके कैमरा डिजाइन में, क्योंकि अब जो मॉडल्स आएंगे 16 सीरीज में सभी में हमें वर्टिकल कैमरा देखने को मिलने वाला है। शायद आपको याद हो आईफोन 10, 10X Max या फिर जो 11, 12 आईफोन थे उनमें जो वर्टिकल डिजाइन था काफी हद तक वही देखने को मिलने वाला है। हाँ, ओवरऑल जो कैमरा मॉड्यूल है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा लेकिन वर्टिकल कैमरा हमें 16 सीरीज में दिया जाएगा। कैमरा सेंसर्स में भी काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो बेस मॉडल है आईफोन 16 उसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाएगा। अगर प्रो मॉडल्स की बात करूं तो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5x ऑप्टिकल जूम एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलने वाला है। तो जो कैमरा या फिर कहूं जो वीडियो फोटो की क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल होने वाली है। नेक्स्ट, कैप्चर बटन। आपने DSLR वगैरह में देखा होगा वीडियो या फिर फोटो कैप्चर करने के लिए अलग से एक डेडिकेटेड बटन होता है। सेम लाइक दैट आईफोन 16 सीरीज में अलग से एक डेडिकेटेड कैप्चर बटन मिलने वाला है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जिनका मेन फोकस आईफोन के कैमरा या फिर जिनकी जिंदगी में सिर्फ कैमरा का बहुत ज्यादा यूज होता है उसके लिए ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तीसरा, डिस्प्ले साइज। अब देर से ही सही लेकिन एप्पल वालों को ये बात समझ में आ गई कि डिस्प्ले का साइज मैटर करता है, इसीलिए एप्पल वालों ने बेस मॉडल की डिस्प्ले साइज को 6.1 से डायरेक्टली 6.3 कर दिया एंड प्रो मॉडल्स की 6.7 से डायरेक्टली 6.9 कर दिया। अब होता क्या है, अगर किसी पे आईफोन 15 है एंड आईफोन 15 प्रो है तो उसमें सामने से तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा 15 है कौन सा 15 प्रो है। तो मेरे हिसाब से 15 का साइज ठीक है पर 15 प्रो का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था जो 16 सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी डिस्प्ले में माइक्रो लेंस एरे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जो बैटरी को कम से कम यूज करके डिस्प्ले को ज्यादा से ज्यादा ब्राइट करती है। लेकिन डिस्प्ले की साइज का जो अपडेट या फिर अपग्रेड है वो काफी सही चीज है क्योंकि नॉर्मल तो ठीक है, बाकी जो प्रो मैक्स या फिर प्लस वाले मॉडल है वो हर किसी के बस की बात नहीं है यूज कर पाना क्योंकि डिस्प्ले बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बाकी जो डिस्प्ले में बेजल्स हैं वो भी काफी ज्यादा कम मिलने वाले हैं इस बार। नेक्स्ट, एक्शन बटन। अब लास्ट ईयर तो सिर्फ प्रो मॉडल्स में एक्शन बटन दिया गया था लेकिन आईफोन 16 सीरीज में हर आईफोन में हमें एक्शन बटन देखने को मिलेगा जिससे काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आपने देखी होंगी वीडियो, एक्शन बटन से काफी सारी चीजें काफी इजीली एक्सेस हो जाती हैं। अच्छा, पिछले 1.5 साल से जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं सभी में AI को काफी तगड़ा दर्जा दिया जा रहा है। लाइक अभी मैं रिसेंट वाले पिक्सल 8 सीरीज की बात करूं उसमें भी AI के फीचर्स मिलते हैं भर-भर के। अभी जो सैमसंग की अल्ट्रा लेटेस्ट वाली सीरीज है उसमें भी, मतलब उसका जो लॉन्चिंग इवेंट था उसमें सिर्फ और सिर्फ AI वाले फीचर्स ही शो हो रहे थे। तो आईफोन वालों ने सोचा कि हम क्यों भाई AI के मामले में पीछे रहे, तो आईफोन 16 सीरीज में भर-भर के AI वाले फीचर्स मिलने वाले हैं। और इन सभी फीचर्स को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इनका लेटेस्ट या कहूं तो बिल्कुल नया वाला A18 प्रो चिपसेट दिया जाएगा जो काफी तगड़ा और काफी सारी चीजों के लिए कैपेबल है। लेकिन जो आईफोन 16 या फिर 16 प्लस खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दुख वाली बात है कि जो A18 प्रो चिपसेट है वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलेगा। जो बेस वाले मॉडल्स हैं इनमें सिर्फ A18 चिपसेट दिया जाएगा जो कि प्रो के मामले में तो खैर थोड़ा सा नीचे रहेगा। अब अगर रैम की बात करूं तो हर कोई जानता है एप्पल वाले अपने आईफोन के अंदर इतनी आसानी से तो रैम नहीं बढ़ाते। अगर मैं रिसेंट वाले आईफोन की बात करूं आईफोन 15 की तो सिर्फ 6GB रैम देखने को मिलती है जो कि अगर मार्केट में आप देखोगे तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में 15 से 20, 22 हज़ार रुपए वाले स्मार्टफोन्स में 12, अगर वर्चुअल रैम की बात करूं तो 20, 22, 24 GB पता नहीं कहां तक ले जा सकते हो। लेकिन इस बार अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जो 16 सीरीज है 8GB रैम उसमें दी जाएगी लेकिन एप्पल वालों की 8GB रैम काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब आईफोन के कैमरा क्वालिटी के बारे में तो हर कोई जानता है, फोटो वीडियो कुछ भी ले लो नेक्स्ट लेवल की शूट कर पाओगे। लेकिन आजकल आईफोन का यूज सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं या फिर बाकी की वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियोस क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है एक माइक्रोफोन एंड इसीलिए एप्पल वालों ने सोचा कि क्यों ना हम माइक्रोफोन को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें। और इसीलिए इस बार मतलब जो 16 सीरीज है इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है माइक्रोफोन में। अब पिछले कई सालों से सारे आईफोन 5G के साथ में आ रहे हैं तो 16 सीरीज ऑब्वियसली बात है 5G के साथ में आएगा लेकिन इसका जो 5G मॉडम है वो अपग्रेड होने वाला है। इसमें हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन
Snapdragon X75 जो काफी ज्यादा पावरफुल है पिछले के मुकाबले, एंड इसमें जो 5G की स्पीड है वो भी काफी बेटर मिलेगी, प्लस जो बैटरी का कंजप्शन है वो काफी कम होगा, और ये वाला चिपसेट आईफोन को काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ भी बनाता है। अच्छा, आईफोन 15 में 3349 mAh की बैटरी मिलती थी जिससे जो आईफोन यूजर्स थे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन 16 सीरीज में एप्पल वालों ने अपने यूजर्स की खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करी है, सिर्फ 6.3% की बैटरी इंक्रीज की है आईफोन 16 में। आप देख रहे हो कितना बड़ा बदलाव है। बाकी प्रो मॉडल्स की बात करूं तो 2.5% की बैटरी का इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, एंड प्रो मैक्स मॉडल्स में 5.7% बैटरी बड़ी मिलेगी 15 प्रो मैक्स के मुकाबले 16 प्रो मैक्स के अंदर। अब अगर कलर्स की बात करूं तो आईफोन 16 सीरीज के जो आईफोन है ये समझो कि कलर्स की बारिश होने वाली है। अगर मैं प्रो सीरीज की बात करूं तो मिडनाइट ब्लू, सनसेट गोल्ड एंड कॉस्मिक ग्रे जैसे अमेजिंग एंड अट्रैक्टिव कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं 16 की बात करूं तो इसमें ऑरोरा ग्रीन, कोरल पिंक, स्टेलर सिल्वर जैसे 3 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो हर किसी को पता है कि पिछले कई सालों से 128GB, 256GB, 512GB, देन 1TB तक कहानी चली जाती है, लेकिन आईफोन 16 सीरीज में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 256GB से शुरुआत होने वाली है, मींस जो 128GB है वो बाय बाय टाटा खत्म होने वाला है। लेकिन काफी सारे यूजर्स हैं जो सिर्फ 128GB से अपना काम चला लेते हैं और उसमें पैसे भी काफी सेफ हो जाते हैं, और दूसरी चीज अगर 256GB स्टोरेज आया बेस मॉडल्स के अंदर तो प्राइस भी कम से कम 9,000 से 10,000 रुपए हाइक होने वाली है। अब अगर लॉन्चिंग की बात करूं तो आप एप्पल का पुराना इतिहास उठा के देख सकते हो, इनके जो लॉन्चिंग इवेंट होते हैं ज्यादातर सेप्टेम्बर के सेकेंड वाले वीक में होते हैं, तो इस बार ऐसा सुना जा रहा है कि इनका जो लॉन्चिंग इवेंट है वो 12 सेप्टेम्बर को होने वाला है और 22 सेप्टेम्बर तक इनके आईफोन्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्चिंग के 10 दिन के बाद ही मार्केट में आईफोन्स आते हैं। अब करते हैं थोड़े काम की बात कि भाई आईफोन की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो आप आईफोन का पुराना 2-3 साल का इतिहास उठा के देख सकते हो, प्राइसिंग में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर जो आईफोन 16 सीरीज का बेस मॉडल है इसमें 256GB स्टोरेज से शुरुआत हुई, मतलब 128GB गायब करके 256GB देखने को मिला, तो कम से कम 9,000 से 10,000 रुपये प्राइसिंग हाइक होने वाली है। अगर 128GB आया तो बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आईफोन 16 सीरीज का वेट करें या फिर 14-15 जो सस्ता मिल रहा है वो देख के खरीद लें। तो मेरे हिसाब से तो जो फीचर्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपको आईफोन 16 सीरीज का वेट करना चाहिए। हाँ, अगर आपका जो बजट है वो साथ नहीं दे रहा है तो फिर 14-15 में से जो आपको सही लगे कोई भी खरीद सकते हो, दोनों बेटर आईफोन हैं, क्योंकि 5G मिलता है दोनों में तो लंबे टाइम तक आप इन्हें यूज़ कर पाओगे, और सेल वेल आती रहती है ना अभी सेप्टेम्बर में या फिर जो जून जुलाई की लास्ट में आएगी बिग बिलियन डे सेल आएगी उसमें तो ये 50 से भी डाउन जाने वाले हैं। अगर वहाँ तक आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा और बेटर हो सकता है, मतलब आपके पैसे थोड़े से और सेव हो जाएंगे। वैसे कौन कौन आईफोन 16 सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट्स में बताओ। बाकी ये कुछ वीडियोज़ हैं, इन्हें भी आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।